पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की एक बिल्डिंग में बुधवार रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर तकरीबन 12 फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं था। इस आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार रात 9:45 पर पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर भेजा गया। आग बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर स्थित MI मोबाइल के दफ्तर में लगी थी। आग की गंभीर स्थिति को देखते हुए तकरीबन 1 दर्जन और दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया गया, जिसने तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।